एक भी मेरी माता बहन बुजुर्ग भी बैठे हुए बता दें कि मेरा बेटा बड़ा होकर बाबा बन जाए। क्या कोई चाहता है कि उसका बेटा बाबा बने? जब आप अपने बेटे को बाबा बनाना नहीं चाहते तो फिर आपने इस प्रदेश को बाबा के हाथों में कैसे सौंप दिया? ये भी तो बहुत पाप किया। आज प्रदेश को बाबा चला रहा है जबकि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा बाबा बने। तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश की कमान एक बाबा के हाथ में। और बाबा के बारे में बता दूं कि बाबा का पाला केवल दो लोगों से पड़ता है। जब मंदिर के अंदर रहता है तो भगवान की मूर्ति से, और मंदिर के बाहर निकलता है तो बाहर मंदिर के भिखारी बैठे रहते हैं। तो बाबा का पाला दो लोगों से पड़ता है, या तो मंदिर में भगवान से, और बाहर निकलता है तो भिखारियों से। तो आपको बता दूं कि बाबा को चुनोगे तो भिखारी बनोगे, और पढ़े लिखे को चुनोगे तो अधिकारी बनोगे। फैसला आपको करना है। तो आप क्या आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भिखारी बने? आप ये चाहती हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बने, और अधिकारी बनाने के लिए आपको अखिलेश यादव जी के लिए काम करना पड़ेगा, उन्हें वोट देना पड़ेगा।